यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दशितम राय गुप्ता के साथ मुस्कुराई आप सीतामढ़ी में। जब हम कहते हैं मुस्कुराई सीतामढ़ी में तो सिर्फ ये अक्षरों में दिखता है, सच में मुस्कुराना बंद हो जाता है, क्योंकि सीतामढ़ी में अभी अपराध बढ़ रहे हैं। व्यवसाय सुरक्षित नहीं, आम लोग सुरक्षित नहीं। अब ऐसे में कल देर रात की घटना है जब आपसी झड़प में चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। हम उसी जगह पे हैं। सीतामढ़ी प्रशासन कहती है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम व्यवस्थाएं की गई, हर चौक चौराहे पे पुलिस है, इसके बावजूद देर रात घटना होती है, अस्पताल बंद होते हैं और ऐसे में किसी युवक की मौत हो जाती है। आपको बता दें ये जो लोकेशन है कपरौल रोड है, यहाँ से ये जो बांध है आगे जाती है और यही वो लोकेशन है जहाँ कल देर रात रोहन के चाकू लगे थे। रोहन का पूरा नाम रोहन शर्मा है, लोग उसे मिंटू के नाम से जानते हैं। और सीतामढ़ी में ऐसी घटनाएं हो रही है, सीतामढ़ी प्रशासन के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है और अस्पताल के लिए। कल देर रात की बात है जब अस्पताल बंद था और सदर अस्पताल से जो वरुण कुमार के यहाँ लेके आ गया, वरुण कुमार का भी क्लिनिक बंद था, उसके बाद नवजीवन लेके जाया गया, नवजीवन भी बंद था, फिर उसे अपोलो में ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये सिस्टम की खराबी है, अपराध हो रहे हैं, कोई लगाम नहीं है, प्रशासन क्या कर रही है? मर्डर होने हो जाने के बाद फिर आप वैसे लोगों को गिरफ्तार कीजिएगा जिनके ऊपर FIR हुआ है। ये खून के धब्बे बताते हैं, वहाँ जो पैर के निशान है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार वो दर्द से तड़प रहा था, खुद को बचाने का लाख प्रयास कर रहा था लेकिन उसे चाकू गोद के मारा गया है। पैर के निशान बता रहे हैं, मिट्टी के साथ जो उसका संघर्ष हुआ है, खून के छींटे यहाँ से वहाँ तक पड़े, ये बता रहा है। विशाल कुमार। मृतक का नाम क्या है? रोहन कुमार। रोहन आपके कौन लगते हैं? मैं चाचा का बेटा। अच्छा, रोहन के साथ क्या हुआ है? रोहन कल रात में यहीं पर दुर्गा पूजा हो रहा था, यहीं पर था वो, ठीक है। तो दो बजे अढ़ाई बजे रात में उसका दोस्त कोई मारा उड़ा पीटा उठा, ठीक है। तो वो यह मोहल्ला में आया और बोला कि जो हमको मार रहा है, चलो हमको तुम्हारा कोई जान पहचान का है। दोस्त का नाम क्या था उसका? उसका दोस्त का नाम था साहिल। अच्छा, हाँ। वो उसको बुला के उसको ले गया कि तुम्हारा कोई जान पहचान का है, वो उसको क्या बोल रहे हैं, हनुमान मंदिर के पास उसको बुला के ले गया। हनुमान मंदिर बांध पे? हाँ, बांध के पास वहाँ गया तो उसको बचाने के चक्कर में, ठीक है, उसको वो क्या किया कि चक्कू उसके बाद यहाँ पर रोहन के सीने पर, हाँ, रोहन के सीने पर चक्कू मार दिया और फिर वो साहिल है उसको भी 3-4 चक्कू मारा। उस समय तक होश में था वो, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से सब आदमी उसको लेके सदर अस्पताल में गए। सदर अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, ठीक है, कोई वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। कितने बजे अस्पताल आप पहुँचे थे? वहीं 3 बजे के करीब। 3 बजे सुबह? हाँ, वहाँ पर कोई आदमी नहीं था वहाँ पर, ठीक है। फिर वहाँ से वरुण कुमार के यहाँ ले गए। वरुण कुमार के यहाँ बहुत हल्ला उल्ला किया लेकिन उन लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई इसको भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहाँ से हम ले गए यहाँ नवजीवन में, नवजीवन बंद था। फिर एक अपोलो हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर डॉक्टर उसको देखा, मृत घोषित कर दिया। अच्छा, क्या आपको पता है कि किन लोगों ने रोहन को चाकू मारा था? वो रामा ठाकुर है, उसका बेटा है राहुल, उसके साथ एक और लड़का है राहुल, वो दोनों ने मिलकर मारा। इन लोगों का घर कहाँ है? घर ऐसे तो है, इन लोग का इस्लामपुर में घर है और यहाँ पर है आपको हनुमान मंदिर के पास में उसका दुकान है, पेटी का दुकान है। क्या साहिल से उसकी पहले भी कोई झगड़ा वगैरह हुआ था कभी? नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। उसे साहिल अभी कहाँ है? साहिल भी इंजर्ड है, अभी वो भी आ रहा है, थाना में था वो भी आ रहा है।